गाइस तो यहाँ पे चल रहा है पूजा जी का मेकअप और मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं फटाफट बस जल्दी से फटाफट वाला अपने फिंगर से ही मेकअप कर रही हूँ। ब्रश भी नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है और अब मैं लगा रही हूँ आई लेसेस। आई लेसेस के बाद मैंने अपने फेस को कंसील करा है और टिश्यू से जो आईज के नीचे ग्लिटर गिरे हुए थे वो मैंने क्लीन किया। अब मैं लगाने जा रही हूँ फाउंडेशन और मैंने साथ साथ नीलम को ले रखा है कि नीलम मेरे कर्ल्स करती रहेगी, जिससे कि मेरा मुझे फंक्शन के लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने नीलम को बोला कि नीलम साथ साथ आप मेरे कर्ल्स करते रहो और मैं अपना मेकअप करती रहूँगी। मेकअप हो रहा है, मेरे हस्बैंड बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी मैं रेडी हुई हूँ और मैं लगी हुई हूँ अपने मेकअप में। अब मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अब मैं नेक पे लगा रही हूँ अपने फाउंडेशन। आप कभी भी मेकअप करते हो तो फेस के साथ नेक भी कंप्लीट करते जाना है। तो गाइज मैं यहाँ पे अपना बेस सेट कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बेस को सेट करने में। जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना फ्लॉलेस आपका बेस होगा, तो ज़्यादा टाइम लगता है आपके बेस को सेट करने में। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा सेट होगा आपका बेस। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने फेस में कंटूरिंग, नोज पे कंटूरिंग कर रही हूँ, फोरहेड पे कंटूरिंग कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। मोस्टली लोग ब्लशर के बाद हाइलाइटर लगाते हैं, बट मैं पहले हाइलाइटर करती हूँ, कंटूर के बाद हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, फिर मैं ब्लशर यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर मेरा जो ब्लशर है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसलिए मैं पहले हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, उसके बाद ब्लशर। ब्लशर के बाद भी मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। अब मैं अपनी आईब्रोज डिफाइन कर रही हूँ और आईब्रोज के साथ मैं कॉर्नर पर हाइलाइटर दे रही हूँ आईब्रोज के नीचे। अब मैं काजल लगा रही हूँ और आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आई मेकअप में, और मैं आई मेकअप बहुत ही फिनिशिंग से करती हूँ और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आई मेकअप करने में। और मैं जब खुद का आई मेकअप कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। जब तक मैं मिरर के आगे रहती हूँ मुझे अपनी आईज का लगता रहता है अभी ये कमी, अभी ये कमी। आप देख भी रहे होंगे अभी मैं काजल लगा रही हूँ। तो अभी आप देखिए हम लगे हुए हैं अपने मेकअप में। नीलम भी लगी हुई है अपने काम करने में, उसको भी हो रहा है कि मैम जल्दी से रेडी हो और हम घर जाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड जिसकी इंगेजमेंट थी वो भी मुझसे रेडी होने आई हुई थी, और मैं उसको रेडी करते करते क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो भी लेट हो गई थी और मैं भी लेट हो गई थी। वो जा चुकी थी, मैं फटाफट रेडी हो रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाऊँ और उसके फंक्शन में पहुँच जाऊँ। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईज़ पे मस्कारा, क्योंकि मैंने आई लेसेस लगाई और मस्कारा नहीं लगाऊंगी तो जो मेरी लेसेस है और जो आई लेसेस है दोनों अलग अलग दिखेगी, इसलिए मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने लिप्स पे लगा रही हूँ आउटलाइनिंग। पहले लिपस्टिक को आउटलाइनिंग लगा करके अगर हम लिपस्टिक लगाते हैं तो जो शेप होती है प्रॉपर वो लिप्स की दिखती है, इसलिए आउटलाइनिंग लगा करके ही आपको लिपस्टिक लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी। लोग हमेशा लेंस लगाते हैं मेकअप से पहले, बट मैं करती हूँ कभी अपना अपना जब खुद का मेकअप करती हूँ तो मैं मेकअप आई मेकअप करने के बाद भी लेंस लगाती हूँ, मुझे वो भी कंफर्टेबल होता है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम क्लाइंट को लगाते हैं तो क्लाइंट के लिए हमें पहले ही लगाना पड़ता है लेंस, और मैं अपना खुद का मेकअप करती हूँ तो मैं लेंस बीच में भी लगा लेती हूँ, पूरा आई मेकअप कम्प्लीट करने के बाद भी मैं लेंस लगा लेती हूँ, मुझे ईजी रहता है। बट क्लाइंट का अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हमें पहले ही लगाना है क्योंकि उनको आंसू आते हैं बहुत ज़्यादा, और कई लोग तो फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो वो लगा भी नहीं पाते, कैरी भी नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको हम हमेशा पहले ही लगाते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर लगा करके। अब आप देख रहे होंगे मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया है और मेरे कर्ल्स भी साथ साथ हो ही रहे। और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि व्लॉग ये वाला मैं बनाती हूँ, बट ठीक है बना लिया है, क्योंकि आगे मैं जो भी व्लॉग्स आपको दिखाऊंगी बनाऊंगी वो मैं प्रॉपर आपको मेकअप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगी। इसमें क्या हुआ कि मैं लेट भी हो रही थी, बट मेरा मन था कि हाँ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप व्लॉग्स डालो व्लॉग्स डालो, तो मैंने सोचा चलो मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं व्लॉग्स बना लेती हूँ, इसलिए मैंने ये बनाया है। बट हाँ नेक्स्ट टाइम से जो भी व्लॉग डालूंगी उसमें क्लियर आपको मेकअप भी दिखेगा कि मैं क्या लगा रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूंगी, मेकअप से लेकर के हेयर स्टाइल हर एक चीज़ का व्लॉग बनाऊंगी और डालूंगी। प्लीज़ मुझे गाइस फॉलो करिए
और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखे, वीडियोस दिखे, मेकअप, हेयर, जिससे कि आपको भी मेकअप जैसे फंक्शन में जाना हो, करना हो, आपके लिए भी इजी हो। स्टेप बाय स्टेप अगर आपको मेकअप दिखेगा, आपको करने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो गाइज, मेरा मेकअप तो हो चुका है और मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे कर्ल्स हो जाएं। और मुझे कर्ल्स, सिर्फ कर्ल्स ओपन में ही रखने थे, इसलिए मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं करा। और मुझे सेंटर पार्टिंग करके सिर्फ कर्ल्स करना था, कि कर्ल्स करके मैं ओपन में ही रखूँगी, इसलिए मैंने कोई फ्रंट से हेयर स्टाइल सेट नहीं करा। और आप प्लीज़ गाइज, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूजाज ब्यूटी लॉन्च के नाम से है मेरा चैनल। तो गाइज, मुझे आगे भी प्यार दीजिए, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपको, मेकअप की वीडियोस दिखा सकूं, और मुझे सपोर्ट करिए गाइज। गाइज, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, पूजा विशाल भारतीया 1 के नाम से है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, अपनी यूट्यूब चैनल आईडी और अपनी इंस्टाग्राम आईडी, मैं दोनों आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फाइनल लुक जो मैंने फटाफट अपना मेकअप करा है, आप देख सकते हैं, ये है मेरा पूरा लुक। मैं अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में जा रही हूँ और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो दिखा सकती, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी मेरे पास रेडी होने आई थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। बट मैंने जो भी करा है, फटाफट करा है, वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। आप देख सकते हैं, ये है मेरा फाइनल लुक। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना। और आपको डेली वीडियोज मिलती रहेंगी, ब्लॉग देखने को, मेकअप से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, हेयर स्टाइल मिलेगा। तो गाइज, हम पहुंच चुके अपने फ्रेंड के फंक्शन में, हम लोग पहुंच गए, लेकिन हम लोग लेट थे, उसकी रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। बट हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अब रिंग सेरेमनी हो गई है, यहाँ पे सब लोग डांस में एंजॉय कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने बोला आप लोग भी एंजॉय करो, कोई बात नहीं, लेट हो गए हो, क्योंकि बारिश भी उस दिन बहुत हो रही थी और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लोग लेट हो गए थे। बट ठीक है, लेट हुए उसका कोई वो नहीं है। हमने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में बहुत इंजॉय करा, बहुत मजा आया, बहुत डांस किया। और जब मैं डांस कर रही थी, सारे लोग साइड हो गए, क्योंकि ये वीडियो बना रहे थे। और मेरी फ्रेंड और हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। बहुत टाइम से वेट था इसकी एंगेजमेंट को, और बहुत इंजॉय करा हमने यहाँ पे, बहुत डांस करा, और इतना डांस करा, डांस कर करके इतने पसीने आ गए हमें। हम लोग डांस कर रहे थे यहाँ पे, और गर्मी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि बारिश हुई थी, तो उसके बाद आपको पता है गर्मी हो जाती है, और गर्मी बहुत ज्यादा थी, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका था, और हमने कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग जब पहुंचे थे तो लेट थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, डांस कर लेते हैं, इंजॉय करते हैं, खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे, इसलिए हमने बाद में खाना खाया। उधर दूसरी साइड देखा तो मेरी फ्रेंड का शूट हो रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर शूट देखते हैं उनका, और डिनर तो हम लोग अभी थोड़ी देर में कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, डिनर का टाइम तो अभी है। और उसका फोटो शूट हो रहा था, हमने यहाँ पे देखा उसका फोटो शूट हो रहा है, हमने शूट करा, और फिर हमने कहा अब चलो खाना खाते हैं, और खाना खा करके फिर जाते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और घर भी जाना है, दूर है, तो इसलिए हम फिर वहाँ से निकल आए थे। गाइस, हम लोग फंक्शन से आ चुके हैं अपने सलून में। सलून में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा काफ़ी सारा सामान था, तो हमने सोचा सेट करके जाते, क्योंकि जिस टाइम जा रहे थे ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। तो सारा सामान मैं मेकअप का और सारी चीज़ें बहुत सारा फैला के गई थी, तो मैंने सोचा आप थोड़ी देर सलून जाते हैं, सामान को पैकअप करते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग आ चुके हैं सलून में, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जो भी मिस्टेक हो, जो भी गलती हो, प्लीज़ इस बार के लिए माफ़ करना, बट नेक्स्ट टाइम से आपको मेकअप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी।